क्यों ढीठ बन गए हो तुम? क्यों चले आते हो रोज रोज? मेरे हजार बार मना करने के बावजूद समझ नहीं आती तुम्हें? आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। खास दिन क्यों? आज के दिन में ऐसा क्या खास है? खास है। चलो मेरे साथ आओ, मैं साथ दिखाता हूँ। क्या? चलो तो सही मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ। क्या हुआ? अरे आओ तो सही, आओ। ये है वो खास दिन, आज तुम्हारा बर्थडे है यार। क्या हो गया? तुम्हारे लिए गिफ्ट और केक भी लेकर आया हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी बिलाल। बर्थडे गर्ल प्लीज, आज इस खुशी के मौके पर तुम कुछ पूछो मत। अरे ये लो केक काटो। हैप्पी बर्थडे बिस्मा। इसे क्या देख रही हो? कमाल, तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें विश नहीं किया, तुम्हें कोई प्रेजेंट नहीं दिया। हाँ तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें विश नहीं किया? प्लीज बिलाल, प्लीज। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे किसी की दखल अंदाजी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। हकीकत बहुत तलख होती है बिस्मा। और सॉरी, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है इस वक्त, किसके साथ है? मेरी तरफ देखो। तुम्हारी ये उदास आंखें तुम्हारे दिल का हाल बता रही हैं। I'm sorry, जिसमें मैं भी आज इस खुशी के मौके पे मैं भी ना क्या बात लेकर बैठ गया। हैप्पी बर्थडे। इसमें मैं तुम्हारा कजिन ही नहीं बल्कि तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूं। और याद है वो बचपन से लेके जवानी तक हमने हमेशा अपने दिलों का गुबार एक दूसरे से डिस्कस किया है, निकाला है ना अपने दिल का गुबार। तो आज भी तुम मुझसे शेयर कर सकती हो? मेरे दिल में कोई गुबार नहीं है। झूठ मत बोलो, मत बोलो झूठ। ऐसे बोलिए जैसे मुझे कुछ पता नहीं है, सब देख रहा हूं मैं। तुम कह दे तनाई काट रही हो और मैं जानता हूं तुम्हारे ये जो आंसू है ना तुम्हारे दिल पर गिरते हैं। बिस्मा, तुम बहुत खुददार हो, अपने जख्मों का दिखावा करने नहीं आता है तुम्हें। तो जो भी ये कह सकती, मैं तुम्हारा हमदर्द और तुम्हारा साथी, तुम्हारी महरूमी, तुम्हारी ये जितनी तन्हाई है उसे हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर करना चाहता हूं।